राधे कृष्णा, एही कार्तिक मासरे श्री हरि को जदि खुशी करिबा पाए चाहौछंती ताहाले श्री हरि को एही दिनटी दिनस आपण दे दियंतु, जहाद्वारा कि आपण सब मनस्कामना पूरण होइजिबो। एही दिनटी दिनस आपण केवल जल रही विसर्जन करिबा द्वारा आपणकर सब मनस्कामना पूरण हेबो। आपण माने गोटे कथा मन रखंतु, जे कोनोसी प्रिय दिनेस प्रत्येक मनुष्यर जे कोनोसी दिनस आशा थाए, जदि कोनोसी व्यक्तिंकर प्रिय दिनस को दियाजिबो ताहाले सेही व्यक्ति बहुत खुशी होइथांती। ठीक से परि मध्य भगवान श्री हरिंकर एही तीनोटी दिनस सबुठार प्रिय अटे। आउ जेउ मनुष्य एही कार्तिक मासरे भगवान को एही तीनोटी दिनस जलरे अर्पण करि दियंती ताहाले सेही मनुष्यर सब मनस्कामना पूरण होइथाए, आउ बहुत किछि पुण्य अर्जन करिथांती। आउ अजानतरे जदि एमिति किछि भूल हो जाइछि ता मध्य सबु किछि क्षय होइथाए। आउ एक कथा आमे जानि पारिबा धर्मग्रंथ बहिरु, जहाँकि माता तुलसी माँकर सबु किछि लेखा होइछि, आउ सेही बहिरु आमे प्रकृत कथा जानि पारिबा। श्री हरिंकर अत्यंत प्रिय वस्तु जेकोसी मनुष्य जदि जल से अर्पण कर दिंती ताहाले संपूर्ण भाव तार दुख रोग सबकि दूर होता है, आ बहुत पुण्य अर्जन करलतु। जाणी एक तीनोटी जिनस कौन अटे जहाँकि श्रीहरिंकर अत्यंत प्रिय अटे। यही कार्तिक मासरे देवा द्वारा सबकि मनस्कामना पूरण होता है। धर्मर मास हेउचे एही कार्तिक मास। एही कार्तिक मासरे जे कोनोसी मनुष्य जदि भल कर्म करंती ताकु दी गुण धर्म प्राप्त होइथाय। आउ आम्मा माने प्रत्येक मनुष्य माने तो प्रत्येक दिन धन अर्जन करंती, किंतु पुण्य अर्जन बिल्कुल भी अति सहज होइनथाय। एहार कारण हेउचे कि आमे जे कोनोसी पुण्य अर्जन करिबा द्वारा आमर बहुत किछि मंगल होइथाय, आमर मनस्कामना मध्य पूर्ण होइथाय, किंतु आम अजाणतरे मध्य आमे पाप कर्म करि दउछंती, सेथिपय आम द्वारा पुण्य अर्जन होइ पारुनाही। आउ एही कार्तिक मासरे पुण्य अर्जन जदि आपण करंती ता द्वारा आपणको बहुत दुई गुणरे पुण्य मिलिथाय। सेथिपय एही कार्तिक मास को हाथ छड़ा न करी एही तीनोटी दिनस श्री हरिंको अर्पण करंतु। सेही तीनोटी दिनस हेउची गोटिए दीप, शुद्ध गाई घीर दीपटिए जदि आपण भगवान श्री हरिंकर नाम को स्मरण कर जल रे विसर्जन कर दिंती ताहाले आपणकर सब मनस्कामना पूरण होइजिबो। एहार कारण हेउची जेहेतु कार्तिक मासरे श्री हरि केवल जल रे शयन करंती, सेथिपय जल को प्रथमे हे नियम मानिबा को पड़ुची। जेमितिका एही कार्तिक मासरे प्रत्येक व्यक्ति प्रातः काल रे उठि प्रथमे जल रे स्नान करंती, सेथिपय त कुहा जाय जे भगवान श्री हरि एही कार्तिक मासरे जल रे ही शयन करंती। सेथिपय जल रे आपण शुद्ध गाई घीर दीपटिए जदि श्री हरिंकर नाम को स्मरण कर भसाई दियंती बा विसर्जन कर दियंती ताहाले तुमर सबकि मनस्कामना पूरण होइथाय। आउ द्वितीय कथाटी एबे जानिबा। आपण माने गोटे कथा मन रखंतु, श्री हरिंकर अत्यंत प्रिय हेउची पुष्प, आ सेही पुष्प हेउची पद्म फूल। एही पुष्प जदि आपण जल रे अर्पण कर दियंती शुद्ध गाई घीर दीपसाती, ताहाले आपण को बहुत पुण्य अर्जन मिलिथाय। सेथिपय एही मास को हाथ न छड़ा करी भगवान श्री हरिंकर नाम को स्मरण करी एही पुष्प मध्य दे दियंतु। आ तृतीयटी हेउची भगवान श्री हरिंकर बहुत प्रिय अटे, खास करी एही कार्तिक मासरे एहा ही प्रकृत नियम बोली अटा जाउची। आउ एहि कार्तिक मासरे सेही द्रव्य नथिले आपणकर मनस्कामना पूरण बिल्कुल हेब नाही, पुण्य अर्जन करिपारिब नाही। आउ आपण जप तप जदि करुछंती ता मध्य सिद्धि पाई पारिब नाही। त चालत जानिबा सेही तृतीय दिनस कोण। सेही तृतीय दिन हेउचे तुलसी। तुलसी पत्र को जदि आपण आउ शुद्ध गाई घीर दीप आउ पुष्प एही तीनोटी जिनस जदि आपण श्री हरिंकर नाम को स्मरण करी जल रे विसर्जन कर दियंती ताहाले आपणकर सब मनस्कामना पूरण होगा संगे संगे बहुत पुण्य अर्जन करहाद्वारा कि केवल तुमर नुहे बरम तुम पर मध्य बहुत मंगल होइथाय।
आमे तो प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष आमे तो बहुत पाप अर्जन करुछंती किंतु बार मास को एही मास हेउछि कार्तिक मास आ एही कार्तिक मास रे आमे केवल पुण्य ही अर्जन करिबा प्रति मास रे आमर जहाँ भी पुण्य प्रिय जिनस अछि आमे से सब सब किछि सामान किनि किनि घर को आनी थाउ किंतु एही कार्तिक मास रे आमे केवल प्रिय जिनस श्री हरि को अर्पण करिबा जहाँ कि हरिंकर प्रिय जिनस अटे से एक मन रखु आउ गोटे कथा ध्यान दिंतु कि आपण जिते बड़े तुलसी पत्र को भगवान श्री हरि नाम को सुमरण कर जल में विसर्जन करसी पत्र आपण मैंने देखि किसी तुलसी पत्र केवल पत्र ही हो कि वृक्ष पत्र संगे संगे तुलसी फूल आसी तुलसी फूल साथी रे तुलसी पत्र को छिंडाई आपण पानी रे विसर्जन करने द्वारा आपणकर सब मनस्कामना पूरण होता है। एक कथा लिखाई धर्मग्रंथ बहिरे जहाँ कि माता तुलसी प्रकृत कहानी लिखाई प्रकृत महिमा मध्य लिखाई आउ कौन कले भगवान श्री हरि बहुत खुशी रे आशीर्वाद दे पारे एक कथा ध्यान दिंतु आउ अन्य एक कथा सुनंतु कार्तिक मास रे बहुत लोक अछंती कि तुलसी पत्र को छिंडाई सेवन करती यार नियम कौन रही कार्तिक मास रे धर्मग्रंथ पृष्ठारे लेखा होइछि कि बहुत व्यक्ति अछंते से माने उपवास व्रत दिन तुलसी पत्र को छिंडाई सेवन करती किंतु एहा करिबा बिल्कुल भी उचित नुहे कारण आपण जेते बेले मंदिर को जाउछंती पूजा अर्चना करि आसुछंती सेही पत्र को किछि लोक अछंती केवल केवल सेही पत्र को ही सेवन करती जेमिति कि दांतरे चोबे चोबे खाइथांती एहा करिबा द्वारा बहुत बड़ा पाप लागिथाय आपण जदि पूजा सरी साला परे तुलसी पत्र को सेवन करती ताहाले केवल पानी रे ही बुड़ाई आपण सेमिति ही सेवन कर दिंतु जहाद्वारा कि आपण को बहुत पुण्य फल मिलिथाय तुलसी पत्र को छिंडाई आपण दांतरे न चोबाई ताकू जदि सेवन करा जाय ताहाले तुमको पुण्य मिलिथाय तुलसी पत्र खाइबा द्वारा आम को केउ केउ पुण्य प्राप्ति होइथे आमर देहरे जहाँ भी किछि रोग रहिछि कण कण दूर होइथे एही कार्तिक मास रे तुलसी पत्र सेवन करिबा द्वारा आम को केउ पुण्य प्राप्त होइथे एक कथा जानि परबा अन्य एक वीडियो रे तो आपण माने एही तीनोटी जिनस श्री हरि को देबा अर्पण करिबा बिल्कुल भी भूलंतु नाही आ निश्चित भाव रे श्री हरि को एही तीनोटी जिनस दियंतु आउ किछि नियम रहिछि जहाँ को मानिबा को पड़िबो एही कार्तिक मास रे आपण कोनोसी भी व्यक्ति को मन ताको मन रे कोनोसी भी कथा आघात दियंतु नाही एहा करिबा द्वारा क्रोधित बढ़ी थाए एही कार्तिक मास रे आपण माने मध्य केबे भी रागंतु नाही क्रोध रे रुहंतु नाही क्रोध रे विनाश होइथाय प्रत्येक मनुष्य सेति पाए क्रोध बिल्कुल भी करंतु नाही केवल हरिंकर नाम को जप करंतु अन्य मास रे आपण जदि हरिंकर नाम को जप करिवे जति कि पुण्य प्राप्ति करि परिबे नाही एही मास रे जदि जे कोनोसी मनुष्य जदि नाम को जप करंती ताहाले कोटि कोटि पुण्य प्राप्ति होइथाय एहा ही होउछि प्रकृत नियम एहा ही होउछि सत्यता अटे सेति पाए एक कथा को विश्वास करंतु आ प्रयोग मध्य करंतु श्री हरि को पूजा पाठ करिबा बिल्कुल भी भूलंतु नाही ए कथा को नियम अनुष्ठान रे पालन करंतु एही वीडियो जदि आपण मानको भल लागिछि चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक कर दियंतु कमेंट कर दियंतु रहूछि जय जगन्नाथ जय महालक्ष्मी जय श्री कृष्ण राधे कृष्णा।